तो लीजिए गाइस, मेरी राइड अब स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैं हूँ खरड़ के फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहा हूँ डलहौजी के लिए। और ये मेरी सोलो राइड है, मतलब कि अकेला जा रहा हूँ इस राइड पे मैं डलहौजी तक। और जो मेरा प्लान है वो है डलहौजी, खजियार, चंबा भी बीच में आएगा तो एक्सप्लोर करने के लिए। पहला टोल टैक्स क्लियर करते हुए सुबह हो गई है थोड़ी थोड़ी, और देखिए कितना प्यारा व्यू मिला है खाली रोड पे, और साथ में खेत बने हुए हैं और पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो यही रोड जो है मुझे डलहौजी तक लेके जाएगी। तो ये मेरा बाइक है जो लोड हो रखा है सामान के साथ। अभी मैं जस्ट छोटी सी एक ब्रेक ली थी तो मैंने सोचा अपनी बाइक भी दिखा देता हूँ कैसे लोड कर रखी है मैंने। तो गाइस, असली वाली गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मैं पता नहीं कहाँ हूँ, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी है। फ्लाईओवर पे मैं किसी फ्लाईओवर के ऊपर हूँ तो यहाँ मैं थोड़ा रुक गया। तो अभी मैंने फ्लाईओवर से ना यू टर्न लेके मेहंदीपुर के लिए टर्न लिया है। यहाँ से मुझे ये 15 से 16 किलोमीटर कम दिखा रहा था, और अगर मैं फ्लाईओवर से स्ट्रेट जाता तो वहाँ से मुझे 15-16 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता। तो ये रोड मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी तो फिर मैं इस तरफ ही चल पड़ा। और ये कोई मैरिज पैलेस लग रहा है। ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है जब रोड पे राइट और लेफ्ट दोनों साइड ना पेड़ होते हैं, ग्रीनरी। लेकिन ना कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्कूटर, खाली रोड होना चाहिए तो बहुत प्यारी लगती है। बाहुबली गाइस, मुकेरिया में आपका स्वागत है। मैं अभी मुकेरिया में पहुंच चुका हूं। तो अभी यहां कोई चेक पोस्ट बनी हुई है। ये रहा मेरा फर्स्ट ब्रेक फौजी वैष्णो ढाबा। बनती है ब्रेक अब तो 205 किलोमीटर। काफी प्यारा सा बना हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑन द वे अमन। गाइस, जब मैं घर से निकला था तभी मैंने आपको सुबह बता दिया था कि मैं अभी जो हूँ डलहौजी की ओर जा रहा हूँ। तो ये डलहौजी का ट्रिप है मेरा। तो अभी मैं एक छोटी सी टी ब्रेक लेने के लिए रुका हुआ हूँ। और मैं जिस जगह पे हूँ उसका नाम है मुंगल, और यहाँ से डलहौजी 60 किलोमीटर है। आज डलहौजी में तो वो है हिमालयन कैंपिंग के नेम से एक होटल है जो कि कैंपिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और होम स्टे भी प्रोवाइड करवाते हैं। चार्जेस भी उनके काफ़ी नॉर्मल से थे और अच्छे लगे मुझे। बाकी वहीं जाकर देखता हूँ क्या चीज़ है। फ़ोटोज़ में कुछ होता है और एक्चुअल में वहाँ जाकर देखो तो कुछ और मिलता है, तो उससे पहले मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर अच्छा हुआ तो मैं बिल्कुल उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा अगर किसी ने डलहौजी आना हो। ये टूरिस्ट प्लेस है फिर भी रोड्स की इतनी बुरी हालत है यहाँ पर, और यहाँ ठंड बिल्कुल भी फील नहीं हो रही मुझे। अभी मैंने चेक भी किया था जो ये डलहौजी से नीचे वाले एरिया है यहाँ पर 37 से 38 डिग्री तक जो है टेम्परेचर रहता है गर्मियों में। तो जैसे हमारे नॉर्मल हमारे वाली सिटीज़ में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। एक ये देखिए ट्रक वाला सीधा मेरे पे चढ़ रहा है। एक पेट्रोल पंप, काफ़ी पेट्रोल तो मेरे पास काफ़ी पड़ा है, आगे देखता हूँ अगर कहीं डलवाना पड़ा। सारी टूटी पड़ी है सड़क।
किलोमीटर रह जाएगा डलहौजी, तो आपको यहाँ ट्रक ही ट्रक नजर आने लगेंगे, और वो भी ये नहीं कि अपनी साइड पे चलते हुए, वो आपकी साइड पे चलते हुए नजर आएंगे। मतलब थोड़ा सा आराम से आइएगा। ये लीजिए एक और ट्रक आ गया आगे से, ये पहला ट्रक दिखा मुझे जो अपनी लेन में चला हुआ है, नहीं तो सब मेरे वाली लेन में घुसे पड़े थे आगे से। सारी तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है गाइस। यार ये जगह का क्या नाम है? हाँ धार। और ये सामने डैम दिख रहा है, वो कौन सा है? अच्छा रणजीत सागर, ठीक है। तो गाइस ये जो एरिया है ये धार एरिया में उस वक्त में, और यहाँ पे एक डैम था सामने, अगर आप डैम देख रहे हो। गाइस ये पहाड़ हो गए ना 40-50 किलोमीटर करना भी ना बस ऊंट को कार के अंदर बिठाने के बराबर है। अगर स्ट्रेट रोड हो ना तो बस आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है, और ये अभी 46 किलोमीटर पड़ा मेरा, इतनी देर से चला हुआ हूँ मैं। तो अभी एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, चाय पीना बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो ये कोई लक्ष्य शेर पंजाबी ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने आया हूँ। अभी बाइक की की निकालना भूल गया यार, ये मेरी बाइक खड़ी है रोड साइड। एंटर करते ही पहाड़ियाँ शुरू हो गई गाइस। यहाँ से खजियार 51 किलोमीटर, 31 किलोमीटर डलहौजी, और 72 किलोमीटर चंबा। चंबा बहुत दूर है, मुझे लगा चंबा पहले आएगा, चंबा भी कवर हो जाएगा, बाकी पता नहीं चंबा पहले ही आता हो, देखते। बीच पहाड़ और ये बीच पे पेड़ काम खराब कर रहा है, और नीचे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। तो अभी मैं नैनी खड्ड जगह पर हूँ, और यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर जो है अभी भी डलहौजी है। डलहौजी से पहले एक बनी खेत या बैनी खेत कुछ ऐसी जगह आएगी, उसके बाद डलहौजी आएगा। ओए होए क्या बात है, कितना प्यारा व्यू है यार, ग्रीनरी ग्रीनरी, मज़ा आ गया। ये वाले पेड़ आपको हर जगह मिलेंगे पहाड़ों पे, कहीं भी चले जाओ ये आपको मिलेंगे मिलेंगे, और प्यारे भी बहुत लगते हैं। ऊपर तक जहां तक नजर जा सकती है सब जगह लगे हुए ये। और रोड साइड काफी सारे लोग मिलेंगे आपको बैठे हुए, जो कि पैराग्लाइडिंग की जो है बुकिंग करते हैं। पैराग्लाइडिंग की बुकिंग जो है वो 1500 रुपये है पर पर्सन, जो 7 से 8 मिनट के लिए जो है पैराग्लाइडिंग होगी, और देख लीजिएगा अगर किसी ने करनी हो, प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी अगर मेरा मूड बना तो मैं भी करूँगा। तो जब आप बनी खेत पहुँचेंगे तो चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है डलहौजी के लिए, मतलब कि ज़िगज़ैग रोड स्टार्ट हो जाती है जैसी होती है पहाड़ों में प्रॉपर। मेरा होटल भी यहाँ से 9 किलोमीटर है,
डलहौजी 4 किलोमीटर बता रहा है और होटल मेरे को 9 किलोमीटर बता रहा है। होटल पहले आएगा कि डलहौजी पहले आएगा? ये देख लो गाइस कितनी प्यारी सड़कें हैं और घर देखिए। क्या बात है, ये मैंने गूगल में देखा था होटल डलहौजी, आज सामने नजर आ रहा है। ये गांधी चौक कहते होंगे से गांधी जी बने हुए हैं। ऊपर जाना है कि नीचे जाना है ये नहीं समझ आ रहा, ऊपर ही जाना होगा। हाँ ऊपर ही जाना है। तो गाइस मैं अपने होटल के लिए थोड़ा सा गलत आ गया था, मुझे गांधी चौक से ऊपर नहीं नीचे जाना था। तो अभी मेरी बात हुई है प्रकाश जी है वहाँ पे हिमालयन कैंपिंग के अंदर, तो उन्होंने मेरे को बताया कि नीचे आइए, तो चलते हैं वहीं। वहाँ जाना है वहाँ कल को, अब पता नहीं वो कौन सी लोकेशन है, अगर वही हुई लोकेशन तो बहुत मज़ा आने वाला कल। तो यही कहीं मेरा होटल है जो कि ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ये प्रकाश जी हैं हिमालयन कैंपिंग के अंदर, मैं ज़रा अंदर जाके देख के आ रहा हूँ कि रूम कैसे हैं। यहाँ से रास्ता है हिमालयन कैंपिंग के लिए, ये रूम्स हैं। ये होम स्टे ही है ना मतलब अपना, तो ये देखिए सामने का व्यू देखिए। तो प्रकाश जी क्या है रेंट, जो बात हुई है वही है? ठीक है, गीजर मतलब अच्छा नहाने के लिए? अच्छा 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 ठीक है। और ये जो है अपनी कैंपिंग है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बिजली के लिए भी ठीक है, पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ तो काफ़ी सारे आ सकते हैं, 4-5 जने आ जाए है ना। अच्छा पर वो व्यू ज़्यादा अच्छा लगा फिर आपके एरिए का। अच्छा तो फिर मुझे होम स्टे ज़्यादा बेस्ट लगा इससे, तो वैसे है तो अच्छा पर थोड़ा व्यू आगे का ये थोड़ा सा। चलो ठीक है भाई, यहाँ से रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए अगर आप डलहौजी आते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी मार्केट बनी हुई है शॉपिंग के लिए। तो गाइस ये जो है वाटरफॉल पंचकूला जगह पे पड़ता है जो कि मेरे होटल के बिल्कुल पास है, 1 किलोमीटर दूर।
तो गाइस ये जो पीछे वाटरफॉल आप देख रहे हैं ये पंचकूला में पड़ता है और बहुत ही प्यारा, मुझे लगा कि मुझे आपको ये दिखाना चाहिए। कभी भी आप डलहौजी आए तो पंचकूला में जो ये वाटरफॉल है ज़रूर आए। ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट का रास्ता है, लेकिन ज़रूरी है इसको देखना। तो गाइस जब भी आप यहाँ आएंगे, यहाँ खाने पीने का भी अरेंजमेंट है और कुछ हुक्का वुक्का का सिस्टम भी यहाँ है जो मैंने अभी देखा है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। पीछे जितने भी आप देख रहे हैं खाने पीने का सिस्टम है। तो चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि स्नो पॉइंट है। एक बात और गाइस, जब भी आप पंचकूला वाटरफॉल देखने आएंगे तो गंजी पहाड़ी के लिए भी ट्रैकिंग यहीं से होती है, जो कि 1500 रुपीज़ के जो इन्होंने चार्जेस बताए हैं। सामने देखिए ऊपर अगर नज़र आ रहा है, वहाँ से जो है ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है। तो गाइस अभी मैं एक स्नो पॉइंट जगह पर आया हूँ जो डलहौजी के अंदर पड़ता है, गांधी चौक से लगा लो आप 10 से 12 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ सारी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। तो कुछ नज़ारा ऐसा है स्नो पॉइंट का। तो गाइस अभी एक अपडेट मिली है कि खजियार के लिए जो है रास्ता बंद है बिल्कुल, और अगर जाना है खजियार तो चंबे की साइड से जाना पड़ेगा जो कि वन साइडेड 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और अगर यहाँ से जाते हैं गांधी चौक से तो 25 से 30 किलोमीटर, तो काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ देखिए बर्फ ही बर्फ़ पड़ी है, ब्लैक आइस, पता नहीं कब ओपन होगा। एक्चुअली काफी ठंड है, एक ग्लव्स मेरा बैग में और एक ग्लव्स मैंने पहन रखा है। काफी मजा आ रहा है यार। तो गाइस अब मैं वापस हो रहा हूँ होटल के लिए, होटल तो नहीं होम स्टे के लिए, और सिर्फ मेरी एक गंजी पहाड़ी की जो है ट्रैकिंग रह गई है, वो भी 1500 रुपये वो चार्ज कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा यार 1500 रुपये आज गंजी पहाड़ी के लिए दिया जाए। पहले मैं कंफर्म करूँगा कि अगर अकेले जा सकते हैं तो मैं अकेले जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेन ड्राइवर चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए मैं बाइक नीचे ही खड़ी कराया था ताकि ब्लैक आइस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त मैं सोलो राइड पे हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, बाकी आप समझती हैं। तो भाई अभी मैं डलहौजी के अंदर जो है माल रोड के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तो भाई माल रोड से कैसा नज़र आता अंदर से, हर तरफ जो है शॉप बनी हुई है। माल रोड पे काफ़ी बड़ी मार्केट बनी हुई है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब जो शॉप की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं, तो काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। तो माल रोड की जितनी भी शॉप्स हैं वो यहाँ पे एंड हो जाता है उनका। माल रोड के अंदर एक मुझे होटल भी नज़र आया, होटल सनराइज के नाम से, ये रहा।
गाइस यहाँ के मोमोज बहुत ही महंगे हैं, 100 रुपये की प्लेट है जिसमें 8 मोमोज मिलते हैं। तो कभी ऑर्डर दें तो पहले प्राइस पूछ लें। काफ़ी अच्छी शॉप है। एक्चुअली आज फ्राइडे है इसलिए यहाँ पे रश नहीं है, नहीं तो सैटरडे संडे, अब जैसे कल सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा रश रहेगा यहाँ पे। चलो मेरे लिए तो ठीक है, कम रश है। तो गाइस ये देख रहे हैं सामने गांधी चौक है, अगर वहाँ से आप ऊपर जाएं तो स्नो पॉइंट के लिए वो रास्ता है और जो मेरे होटल के लिए है वो नीचे जा रहा है रास्ता लेफ्ट हैंड साइड से। और माल रोड भी जो है गांधी चौक के साथ ही है। तो गाइस मैं अभी जस्ट अपने रूम में पहुंचा हूं और अपडेट ये है कि खजियार के लिए यहां से तो रास्ता ब्लॉक है, मुझे कल चंबा से खजियार जाना होगा और वो भी श्योर नहीं कि वहां पहुंच पाऊं कि नहीं, तो देखते हैं क्या बनता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है गाइस वो 6 बता रहा है और रात तक तो ये 0 तक या 0 से भी नीचे जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड। एक बात और, ये जो रूम है ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिला है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर इसमें इंक्लूड है विद GST, सिर्फ मुझे 1000 ही पे करने हैं क्योंकि ये होम स्टे है और अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। थोड़ी सी दिक्कत इसमें पार्किंग को लेकर है कि रोड पे, रोड के ऊपर जो है आपको चाहे आप कार पे चाहे बाइक पे हैं तो रोड पे खड़ी करनी पड़ेगी, बाकी ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। हाँ, लाइट में आपको मैं यहाँ का वॉशरूम ज़रूर दिखा दूँ, ये नीट एंड क्लीन है गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। और रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये बालकनी जी मैंने दिखा दी थी और यहाँ से एंट्रेंस है, काफी अच्छा है। और इस वक्त मैं काफी थक गया हूँ तो इस ब्लॉग को मैं यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है, अपलोड भी करनी है वीडियो। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट राइड पे, तब तक के लिए गुड बाय।